सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि ये है खजूरी खास, और खजूरी खास का ये है फ्लाईओवर दोस्तों, जो कि आ रहा है ये गाज़ियाबाद से और ये जा रहा है दोस्तों सिग्नेचर ब्रिज के लिए। देखो वही चमक रहा है, सिग्नेचर ब्रिज उधर के लिए जा रहा है, और इसके बगल से ही बनाई जा रही है ये क्या पिंक लाइन मेट्रो, और इसके जो क्रॉस करेगा दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इस फ्लाईओवर को क्रॉस करेगा। और यहाँ पर देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है इस जगह पे। तस्वीर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और जो इसकी कॉस्ट है दोस्तों वो है 13,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है। देखो नीचे जो ये दो पिलर हैं दोस्तों, ये पिलर चौड़े हैं और फिर बाद में गोलाई दे देते हैं, और यहाँ पर इनकी हाइट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, इसलिए कि इस फ्लाईओवर को और पिंक लाइन को ये क्रॉस करेंगे मेट्रो को। और ये इंटरचेंज बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो, ये इंटरचेंज का देख सकते हो ये रैंप है दोस्तों, और ये उतरता है, ये यहाँ से ये उतरेगा और सीधा चला जाएगा ये कहाँ सिग्नेचर ब्रिज के लिए दोस्तों। तो इसमें भी गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है दोस्तों, और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इसमें फ्लोरिंग का काम भी किया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो हम चलेंगे आगे के लिए क्रॉस करते, देखो एक पिलर ये है और एक पिलर उस साइड में, तो वो तो बन गया, और इस पर अब पिलर वो बनाया जाएगा, यानी कि कॉन्क्रीट इसमें भरा जाएगा ऊपर की साइड में इसको। देखो अब इससे हम क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, क्रॉस करने के बाद में फिर आप सभी को दिखाएंगे। ये देखो इधर भी ये पियर कैप का काम चल रहा है दोस्तों, उधर लेना पल्ली साइड में, ये है देखो पिंक लाइन मेट्रो जो बनाई जा रही है इधर इधर, ये पिंक लाइन मेट्रो का काम चल रहा है दोस्तों। और ये आ जाते हैं हम वापसी से, देखो ये अब पियर कैप के काम किया जा रहा है, यहाँ पर पियर कैप बनाने का काम चल रहा है दोस्तों। अभी हम खजूरी से चल रहे हैं पावी पुस्ते पे, वो था खजूरी पुस्ता दोस्तों पल्ला वाला, और ये है पावी पुस्ते पे हम स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। और देख सकते हो यहाँ पर ये पियर कैप बनाने के लिए सेटरिंग लगाई जा रही है दोस्तों, ये पियर कैप बनाने के लिए सेटरिंग को देखो किस तरीके से लगा रहे हैं दोस्तों, फिर इस पर पियर कैप बनाया जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये पिलर छोटी हाइट मतलब इनकी हाइट कम होती चली जाएगी दोस्तों। देखो किस तरीके से ये भारी भरकम मशीनें लगी हुई हैं दोस्तों, क्रेन मशीन देखो किस तरीके से उठा रखे हैं। अरे यार आराम से कर लिया कर, चलो कंस्ट्रक्शन, आप सभी को कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर। और दोस्तों हम चल रहे हैं अभी पावी पुस्ते के लिए, और पावी पुस्ते पर देख सकते हो कि इन पे पियर कैप बनाने का काम किया जा रहा है, पिलर पहले ही सारे बन के कम्प्लीट हो गए थे, और फिर इनके ऊपर आई गटर द्वारा इनको लॉन्च किया जाएगा, एक पिलर से दूसरे पिलर को जॉइंट किया जाएगा आई गटर के द्वारा दोस्तों। क्योंकि सन 2024 में इनको बिल्कुल कंप्लीट करके देना है, NHAI को हैंडओवर करना है दोस्तों, जो भी ये कंपनियां यहां पर वर्क कर रही हैं, और जो कंपनी यहां पर जो आप लोगों को पता ही है दोस्तों गावर कंस्ट्रक्शन यहां पर वर्क कर रही है, गावर कंस्ट्रक्शन में ही इसको बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को, जो इसका फर्स्ट पैकेज है उसको बनाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखो ये JCB मिट्टी इधर उधर कर रहा है, देखो मिट्टी उठाई जा रही है यहाँ से, पर यहाँ से ये एलिवेटेड मतलब कि ये ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा दोस्तों। देखो जब ये ग्राउंड लेवल पे आ चुका है, अब यहाँ से ये ग्राउंड लेवल पे ही रहेगा दोस्तों, और आगे आप सभी को जहाँ पर ये टोल प्लाजा बनाया जा रहा है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे।
तो बने रहिए बस ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो ये यहाँ पर किस तरीके से चौड़ा किया जा रहा है रोड को, क्योंकि ये 6 लेन इस साइड देखने के लिए आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अब इसमें 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड होगा दोस्तों, और ये 6 लेन ही 3 लेन इस साइड में 3 लेन इस साइड में देखने के लिए मिलेंगी। देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर वर्क चल रहा है जो कि मिट्टी को एक सार कर रही है ये मशीन दोस्तों। देखो रैपिड एक्शन फोर्स के सामने का ये नज़ारा है दोस्तों, ये देख सकते हो रैपिड एक्शन फोर्स 103। देखो ये ड्रेनेज बना दिया इन्होंने पल्ली साइड में, और ड्रेनेज बनाने के बाद में फिर ये रोड को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है दोनों साइडों में। ये देख सकते हैं किस तरीके से बना रहे हैं ऐसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को दोस्तों, ये देख सकते हो। कौन है यार बात कर लो, देखो काम चल रहा है अभी दिन रात दोस्तों। ये रोड रोलर ये साइड वॉल लगाते चले जा रहे हैं, साइड वॉल लगाने के बाद में फिर इसमें मिट्टी डालते हुए चले जा रहे हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, और यहाँ पर आप सभी को अंडरपास भी देखने के लिए मिलेगा। तो अंडरपास इन्होंने किस तरीके से बनाया है वो आप सभी देख सकते हो, क्योंकि ये पिलर के ऊपर ही अंडरपास को बना रहे हैं दोस्तों। देखो ये दोनों पिलर बना दिए हैं, दोनों पिलर बना के फिर इस पर गटर लॉन्चिंग कर दी जाएगी, आई गटर द्वारा इनको लॉन्च किया जाएगा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने के बाद में, और फिर देख सकते हो ये अंडरपास बन जाएगा दोस्तों। और ये जो थी ये दिल्ली पुलिस के सामने दोस्तों, देखो देखो वर्क चल रहा है नहीं चल रहा है, देखो इसमें डीबीएम की लेवर लेयर का डीबीएम की लेयर तो इस पर डाल दी जा चुकी है, ये देख सकते हैं ये डीबीएम की लेयर कर दी है इन्होंने। अब इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा उस तरीके से, देखो बोरा ब्लैक टॉप, और वहाँ पर भी वो जेसीबी लगा हुआ है, ठीक है। और ये कैफ सेफ कैंप वजीराबाद दोस्तों का नज़ारा है, देख सकते हो आगे किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है देखो आप लोग। और दोनों साइडों में ही देखने के लिए मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि एक साइड में ही बन रहा है दोस्तों। इधर का भी मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊं कि इधर तो उन्होंने ये पैराफिट वॉल डाल रखे हैं, ये पैराफिट वॉल हैं दोस्तों जो लगाए जाएंगे साइडों में। देखो जो सीवी से किस तरीके से ये मिट्टी को लेवल में किया जा रहा है, इस तरीके से बनाया जा रहा है ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे गाइस। चलो उधर का भी दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो दोस्तों ये दूसरी साइड का नज़ारा है, और दूसरी साइड तो अभी देख सकते हो ये साइड बॉल अभी निकल गए हैं दोस्तों, अभी वर्क नहीं चल रहा, ये साइड बॉल जैसे जैसे लगाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें मिट्टी डालते चले जा रहे हैं, और मिट्टी डालने के बाद में फिर ये रोड लोडर द्वारा इसकी ढलाई की जाती है, और फिर इसमें एंड में आके डीबीएम की लेयर डाली जब बिछाई जाती है, जैसे उधर बिछाई है डीबीएम की लेयर उसी तरीके से डालने के बाद फिर इस पर ब्लैक टॉप किया जाता है दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे के नज़ारे। Thank you.
यहाँ पर ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इस पर देख सकते हो ये पैरा फिट बॉल भी लगा दी हैं, अब इन पर कंक्रीट करना बाकी रह गया है दोस्तों। और आगे भी बरीजर ये वजीराबाद में है अभी, और देख सकते हो ये यमुना का पानी किस तरीके से भरा हुआ है। और यह दोस्तों बता दूँ 3 लेन ईस्ट साइड, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, 3 लेन तो एक्सप्रेस वे की होंगी और 3 लेन लोकल ट्रैफिक के लिए होंगी, तो हो गई ना 6 लेन, 6 6 6 12 इस तरीके से 12 लेन हो जाएंगी, ठीक है। अब जो एलिवेटेड रोड था, जो एलिवेटेड पार्ट है दोस्तों, वो भी वो 6 लेन का होने वाला, 3 लेन इस साइड देख सकते हो दोस्तों। और दूसरा ये अंडरपास यहाँ पर है, ये वजीराबाद के सामने ये देख सकते हो, इस पर भी अभी गटर लॉन्चिंग नहीं हुई है, गटर लॉन्चिंग करेंगे और फिर इसके बाद में इसको बनाया जाएगा दोस्तों, देख सकते हो। क्योंकि अभी मिट्टी के ऊपर ढलाई चल रही है, मिट्टी डाली जा रही है, और देखो ये पत्थर किसी इस तरीके से लाए हैं ये, ताकि ये साइडों में डालेंगे। ये पत्थर ये साइडों में डाले जाएंगे, इसीलिए लाए गए हैं पत्थर ये पानी के किनारे किनारे, ये किनारे किनारे यहाँ पर ये पत्थर डाले जाएंगे जो आप लोगों ने पीछे देखे थे। देखो यहाँ पैरा फिट वॉल का बिल्कुल काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर कंक्रीट भी कर दिया है पैरा फिट वॉल के ऊपर, और ये मतलब कि ब्लैक टॉप भी यहाँ पर हो चुका है। तो चलेंगे अभी आगे दिखाएंगे चल के, देखो यहाँ पर अभी ये सामने का बना नहीं है, तो इसी वजह से ये ऊपर चढ़ने के लिए है, यहाँ पर काम रुक जाता है दोस्तों। बन तो गया है दोस्तों, देखो तो थोड़ा सा वही पैच बचा हुआ है, बाकी तो इधर भी बन गया है, ये देख सकते हैं ये सर्विस लाइन बनाया गया है दोस्तों, क्योंकि अभी ऊपर वाली लाइन का ये मेन एक्सप्रेसवे की लाइन का अभी काम नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक आप सभी को देखने के लिए नहीं मिलेगा। है ना, क्या अद्भुत नज़ारे दोस्तों, बताओ आप। इधर ही चलो किनारे पे, ताकि इधर का दिखाई देता रहे ना उधर का। देखो यहाँ पर ये मिट्टी डाल दी जा चुकी है, अभी लेवल में नहीं किया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों ये आ चुके हैं मेन कैरिज पे पे, और जो यहाँ पर कंपनी वर्क कर रही है वो है सीगल कंपनी द्वारा इस सेकंड पैकेज को बनाया जा रहा है। मतलब कि फर्स्ट पैकेज में 2 पैकेज आते हैं, एक तो दिल्ली में, दूसरा यूपी में, तो यूपी वाला बॉर्डर ये रहा। और आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों की ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।